सिख नौजवान सभा ने कैंडल रैली निकालकर दिल्ली में सिख युवती के साथ बलात्कार किए गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुंछ जिला में सिख नौजवान सभा द्वारा मंगलवार देर शाम को कैंडल मार्च रैली निकालकर दिल्ली में सिख युवती के साथ बलात्कार के बाद उसके बाल काटने की घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा। एक तरफ भारत सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर बलात्कारियों पर कार्रवाई ना हो और बलात्कार की घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई बेटियां कैसे पढ़ेंगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घिनौनी हरकतें ना हों। सारी जानते हो कि साढ़े सेंटर दिल्ली विच अज तो कोई 4-5 दिन पहले 20 साल की एक कुड़ी नाल बहुत ही जुर्म का वाकया बीतया है जिस दे विच सब तो पहला उस कुड़ी नू चौक विचों चक्या गया है ते उस नू पूरे बाजार विच उहदा मूँह काला करके उहदे बाल कट के ते पूरे बाजार विच घुमाया ते प्लस उहदे नाल रेप किया गया है। पर बड़ी अफसोस की गल है कि किसी मीडिया चैनल पर इस चीज़ नू नहीं दस्या गया है, किसी बंदे नू हले ये भी नहीं पता होगा कि दिल्ली विच इंसीडेंट हो गया है। तो सब तो बड़ी सानू दुख इस गल का है कि दिल्ली जिन्हों असी राजधानी कहते हैं उत्थे एक धी की इज्जत के नाल इतना जुल्म होया है। तो सब तो बड़ी बुजदिली की गल यह है कि किसी मीडिया ने हाले तक शो नहीं किया। बहुतियां जो तो सानू यह पता ही नहीं होएगा कि अज असी कट्ठे क्यों हैं, इतने किसी नू इस वारदात का पता ही नहीं। असी चाहते हाँ कि उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए क्योंकि आम आदमी के जज्बात भड़क जाते हैं। असी इस करके इतने नहीं आए कि वह सिख दी सी, असी इस करके आए हैं क्योंकि इंसानियत जिंदा है। अगर वो मुस्लिम की धी होंगी तो असी भी आना सी, अगर वो हिंदू की होंगी तो असी भी आना सी, अगर वो क्रिश्चन की होंगी तो असी भी आना सी। इतिहास गवाह है कि सिखा ने काबुल कंधार तक इज्जत बचाई ने, पर अफसोस की गल अज साडे मुल्क विच साडी ती भैणां दी इज्जत सेफ नहीं हैं। असी अपील करते हैं सरकार नूं कि इन्हां दोषियों नूं वध तो वध सज़ा दी जाए, सगों फांसी दी जाए। असी सारे नौजवान इत्थे इस करके इकट्ठे होए हैं, सारे कम्युनिटी के बंदे ने इत्थे, साडे मुस्लिम वीर भी आए हैं, साडे हिंदू वीर भी ने ते कुछ सिख भरा भी ने। असी अपील करते हैं वार वार गवर्नमेंट नूं, यह कहना चाहते हैं कि अज ये वाकया ना होगा कि दिल्ली में जो हमारे चंद दिन पहले हमारी बहन के साथ एक बड़ी बदसलूकी जो की गई और केंद्र के अंदर के और बड़ी शर्म आती है हमें कहते हुए कि आज की डेट में जो केंद्र की सरकार और सेंटर में जो सरकार है, ठीक है, आज हम कहते हैं किसी भी मज़हब के साथ कोई किसी भी मज़हब की दी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन जो लोग हैं ऐसे जो लोग हैं जो मुल्क के अंदर इस शांति को भंग करना चाहते हैं उसको फौरी तौर पर इस गवर्नमेंट को उनको अरेस्ट करना चाहिए था, मगर 3-4 दिन और 5 किलोमीटर वो लोग उस हमारी जो बच्ची है हमारी जो बहन है वो किसी भी कम्युनिटी के हो, देखो आज की डेट में यहाँ पर देखें हर कम्युनिटी का जो है नौजवान वो हमारे साथ है। किस ऐसे जो लोग होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, उनका कोई फिरका नहीं होता, ठीक है। हम आज की डेट में केंद्र की सरकार हो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की सरकार है, हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को कि ये फौरी तौर पर वहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं उनको रिपोर्ट भिजाई दे कि इस जो जो मसला हुआ है जो कारणा जो हरकत की गई है हमारी उस बच्ची के साथ हमारी उस बहन के साथ इसके खिलाफ जो सख्त के सख्त कार्रवाई की जाए, इन लोगों को फांसी दी जाए, जो सख्त के सख्त कानून जो है इन लोगों पर होना चाहिए ताकि जो आने वाले लोग हैं जो ऐसा जो स्टेप जो बड़े जो ना इस मुल्क के वफादार हैं ना अपने शहर के वफादार हैं या घर के वफादार हैं, हम वो लोग हैं जो लोगों को दियों बहनों के इज्जत महफूज करने के लिए उनको उठाकर उनके घर में छोड़ते हैं। अगर हमारे बच्चियों के साथ हमारी किसी बेटी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारी स्टेट में ऐसा किया हम कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, वो किसी भी मज़हब की हो हम उन लोगों में से नहीं हैं। इसलिए हमारे जो नौजवान हैं इन्होंने आज ये कैंडल मार्च निकाला है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो है उसको जगाया जाए और जो सेंटर की सरकार है और जो बीजेपी की सरकार है आज की डेट में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी उनको भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एक पर्सनल रह के इस पर फौरी जो एक्शन करना चाहिए, नहीं तो जो नौजवान होते हैं जो इनोसेंट लोग होते हैं उनके जो सेंटीमेंट बढ़ते हैं फिर बाद में जो है वो कहते हैं कि जो नौजवान गलत करते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऐसे जो हादसे होते हैं इन पर कुछ नहीं करेगी फिर नौजवानों को खुद ब खुद आगे आना पड़ता है।